हे गाइस, आज पहली बार रथ मेला गए पाकुड़ में और सोचे ब्लॉग बनाए, पर वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था कि मन किया कैमरा में सब कुछ कैप्चर कर ले और आज कैप्चर करने का कोशिश किए, तो आज का ब्लॉग थोड़ा सिनेमैटिक होने वाला है। जाने का पूरा तैयारी में निकला था, पर पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, टेक्निकल फॉल्ट, पूरा लगे जोर से, पसीना से भरपूर। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं पाकुड़ रथ मेला देखने, मेरे साथ दो जन है और बाइक है हम लोग का, तो आज हम लोग जाएंगे। थोड़ा लेट हो गया, बाइक हम लोग को मिल नहीं रहा था, लेट से मिला, तो देखिए। काफ़ी लेट हो गया, एक घंटा लग गया हम लोग को समझिए, क्योंकि गाड़ी का थोड़ा कंडीशन ख़राब था और स्लो स्लो आए रात का टाइम में। तो यहाँ सर्कस है अभी, मने वनी तो किसी के पास नहीं है, यहाँ हम लोग का मैनेजर यही सर्कस चलाएगा। और भी आगे जाएंगे और दिखाएंगे सब कुछ, मेला का एंजॉय करवाएंगे। नहीं बाबू, इसका टूटा हुआ मुंडी, टूटा हुआ मुंडी, टूटा हुआ इसका, नहीं नहीं लोग दूसरा देखेंगे बाबू, दूसरा देखेंगे। पिस्टल 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 चाहिए, फ्री फायर खेलेगा कि पबजी खेलेगा बाबू? फ्री फायर वन टेप। चलो ठीक है, तुमको दिला देंगे अगला मेला में। भीड़ में पार्टी सब खो गया, कहीं भी दिखेगा बोल देना भाई। एंट्री करते समय सात जन थे, अभी दो ही जन बचे हुए, देखिए बाकी सब कहाँ चला गया पता नहीं, हमको तो कुछ और ही लग रहा है, मिल गया होगा कोई वो लोग के साथ, इसलिए भाग गया हम लोग को छोड़ के। देखते हैं मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो घर जाके मिलेंगे, अभी तो नहीं मिल सकते हैं। घूमेंगे हाथ पकड़ पकड़ के, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ था, इसलिए खो गया था, सब यही लोग की वजह से, यहाँ सुट्टा उट्टा मारने चला जाता है वही हमको लग रहा था कि वही किसी के लिए भागा होगा, साइड निकला होगा, सही बात निकला, मारता नहीं पता नहीं आज कैसे ले लिया, मेला का जोश में हम भी ले लेते हैं कभी कभी। हम लोग को यहाँ गोल्डी मैन मिल गया एक, देखिए Thank you.
क्या गोल्डी भाई, कैसे ठीक है सब कुछ? पता है गाइस, ये मेरा पहला सिनेमैटिक वीडियो था और इसको कैप्चर करते टाइम मैं खो गया था बीच में। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर। और हाँ, बीच बीच में कॉमेडी सीन आया है, उसको कोई सीरियस मत लेना, बस ऐसे ही